और ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। सहारनपुर में बरसाती नदियां एक बार फिर से उफान पर हैं। आधी रात को ही धमौला में नदी के उफान में आने की वजह से कई इलाकों में पानी भर गया है और उसके बाद रात भर रेस्क्यू ऑपरेशन चला है। कई लोगों को सुरक्षित निकाला गया। बता दें कि पहाड़ों पर हो रही लगातार मूसलाधार बारिश के चलते धमौला नदी का जलस्तर बढ़ चुका है, जिसकी वजह से आम लोगों की परेशानी बढ़ गई है। तमाम जो राहत बचाव दल हैं वो मौके पर मौजूद हैं और लोगों को रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थानों तक पहुंचा रहे हैं। सहारनपुर की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, किस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। उत्तर प्रदेश के कई जिले इस समय बाढ़ की चपेट में हैं और पानी को लेकर हाहाकार मचा हुआ है, मगर देवरिया जिले में किसान पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रहे हैं। धान की फसल चौपट होने की कगार पर पहुंच गई है। ये भी बता दें कि देवरिया जिले में करीब 4 लाख किसान 13,50,000 हेक्टेयर से ज्यादा की जमीन पर धान की रोपाई करते हैं, लेकिन पानी के अभाव में धान की फसल बर्बादी के कगार पर है। कृषि विभाग के मुताबिक जुलाई में धान की रोपाई हो जानी चाहिए और भरपूर पानी भी चाहिए, मगर अभी तक मात्र 120 मिलीमीटर ही बारिश हुई है, जिससे सूखे के आसार नजर आ रहे हैं। ये दो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, एक तरफ सहारनपुर में जहां बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई है, तो दूसरी तरफ ये तस्वीर आप देख रहे हैं देवरिया की, जहां पर पानी की कमी से किसान परेशान हैं, उनकी फसल बर्बाद हो रही है और यहां प्रशासन से उनकी मांग है कि उनकी मदद की जाए, क्योंकि नुकसान बहुत ज्यादा हो रहा है। सैलाब का सितम एक तरफ, राहत बचाव कार्य दल लगा हुआ है और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है, तो दूसरी तरफ किसानों का ये कहना है कि कृषि विभाग हमारी मदद करे, प्रशासन हमारी मदद करे, क्योंकि यहाँ पर पानी की कमी है, जिसके चलते कई हेक्टेयर जमीन पर जो फसल लगाई गई है वो खराब हो चुकी है। तो ये दो तस्वीरें अपने आप में काफी कुछ कहती हैं। एक तरफ उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिले और ये सुतियाना की तस्वीर आपको दिखा रही हैं। सैकड़ों गाड़ियां पानी में लबालब है, किसानों को बारिश का इंतजार देवरिया में है, तो दूसरी तरफ नोएडा में आप देखिए किस तरीके से पानी ही पानी है। यहां पर जितनी भी गाड़ियां खड़ी हैं वो पानी में डूब चुकी हैं। दरअसल एक कॉर्पोरेट कंपनी की ये गाड़ियां हैं जो पानी में डूब चुकी हैं। यहां पर इन गाड़ियों को पार्क किया गया था, लेकिन देखते ही देखते कई ज्यादा पानी भरने की वजह से ये गाड़ियां डूब चुकी हैं। तो बारिश का सिलसिला एक तरफ देखने को मिल रहा है और एक तरफ सूखे की स्थिति बनी हुई है। मौसम बीते कुछ दिनों में काफी ज्यादा अलग था। पश्चिमी यूपी की तस्वीर है आपके सामने और यहां पर बीते कुछ दिनों में लगातार हो रही बारिश की वजह से और कई क्यूस तक पानी छोड़े जाने की वजह से यमुना का जलस्तर बढ़ा और ये जो असर है देखने को मिला है अलग अलग जिलों में उत्तर प्रदेश के। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुकना होगा, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।